Not you. I guess so. Then we had this shit for a long time, didn't we? I got bribes in Atlanta. Just to lean in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the back. Legacies. तो गाइज हमारे यहाँ बहुत पहले से एक प्रथा चली आ रही है कि अगर आपको दुनिया में फेमस होना है तो गरीबों के ऊपर धन और निब्बों को अपना स्तन दिखाना पड़ेगा। तो गाइज आज हम सोफिया खान या उसके अपडेट वर्जन के बारे में बात नहीं करने वाले, क्योंकि ये टॉपिक सलमान भाई की ड्राइविंग एक्सपीरियंस की तरह कब का खत्म हो चुका है। तो गाइज आज हम कदम रखने वाले हैं बिल्कुल एक नए दौर जो कि बहुत पुराना। जी हाँ गाइज, आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया के अंदर कुछ अजीब चीजों के बारे में, जिसमें से कुछ फोटोज भी रहेंगे, रील्स भी रहेंगे और कुछ वीडियोस भी रहेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अपने कान में ईयरफोन लगा लीजिए, अपने कान के गान फाड़ दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले फेसबुक के एक वीडियो से। ये एक गेमर है जिसका नाम है इंडियन गेमर YT, लेकिन ये वीडियो अपलोड कर रहा है फेसबुक पर। Seriously, what the fuck are you doing? चलो ठीक है, ये बंदा खुद के कुछ नोबड़े दोस्तों को गुटके का घूस देकर खुद को उसके लॉबी में बुलवाता। अरे बड़वे तू करेगा 1v3, ठीक है देख सर्दी है। खुद उसके लॉबी में जाता है और खुद को ये नूब बोलने को कहता है, जो कि ये एक्चुअल में है भी। अरे बड़वे तू करेगा 1v3, ठीक है देख सर्दी है कि अगर तू जीत गया भाई, ठीक है तो तेरे को हम 100 RP गिफ्ट करेंगे, डायरेक्ट 100 RP पूरा। और उन्हें 1v3 TDM में खेलने के लिए चैलेंज करता है। और दिक्कत की बात यह नहीं कि इसने सिर्फ एक टीम को चैलेंज किया है, ये साला पूरा फेसबुक पेज ही इसी से भर दिया है। चलिए अब आते हैं गेम पर, और वो सब इसका चैलेंज हंस कर एक्सेप्ट भी कर लेता है। हाँ जा ठीक है देख शर्त ये है कि अगर तू जीत गया भाई, ठीक है तो तेरे को हम 100 RP गिफ्ट करेंगे, डायरेक्ट 100 RP पूरा, ठीक है। और अगर तू हार गया भाई सांझ, और हारेगा भाई फिर सीधी सी बात है तू हार जाएगा, और हार गए ना भाई तेरे को इस नोकिया के फोन को बाहर फेंकना है और पबजी को अनइंस्टॉल करना, आगे से पबजी में कभी ऑनलाइन मत आइयो। फिर ये उन लोगों को पहले 10 किल करने देता है। और उसके बाद असली चुतियापा तो यहाँ से शुरू होता है। अबे क्या मारा बे साला, ये लोग हमें ऐसे दिखा रहा है जैसे हम लोग तो कभी पबजी खेले ही नहीं, जैसे हम लोग ये वीडियो देखने झुनझुनिया बजा के चला है। और ये भोंसड़ी वाला बंदा इधर फायर इधर कर रहा है। अबे क्या मारा बे, अच्छा हमको सिखा रहा है। और जरा यहाँ देखिए, इसके वीडियो के नीचे किसी ने कमेंट भी किया है, MC साला स्क्रिप्टेड है, शर्म कर साले, लोगों को चूतिया मत बना, सबको मालूम चल गया है कि ये स्क्रिप्टेड है। तेरी माँ MC साला, देखा अपने लापरवाही का नतीजा है। चलो इतना तो ठीक है कि किसी को अगर पता चलेगा उसे खुलेआम चूतिया बनाया जा रहा है तो वो तो भड़केगा ही। लेकिन गाइस यहाँ बात खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर यहाँ बात खत्म हो जाएगी तो मेरा वीडियो लंबा कैसे बनेगा। ये भोसड़ी वाला अपने ही व्यूअर को गाली दे रहा है। अच्छा बहन के लेने दो, तू ही चूतिया है और तेरी सोच चूतिया है। MC स्क्रिप्टेड है तो गांड क्यों मरवा रहा है, तू खुद के गांड में है कुछ करने को। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की चूत तेरी, रुका सुन बे भोंसड़ी वाले, मैं कोशिश कर रहा हूँ गाली कम देने की। अगर इसके जैसे लोग उस समय अपना काम करने लगे जिस समय ये लोग तुम्हारा वीडियो देखता है, तो भोंसड़ी के तू अभी व्यू पाने के लिए मार्क जो अपना गांड रगड़ रहा होता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। When you don't know the answer but have to fill the paper somehow. आइए गाइज अब हम देखते हैं अपने लिटिल आइंस्टाइन की यूनिकनेस। What is the difference between hardware and software? Hardware is hard. Hard is where? वाह भोंसड़ी वाले, it is very hard. Hardware is not soft. गजब टू बीवाज आदमी, वाह यही तो है देश का न्यू IAS, अमेरिका का दलाल बहनचोद। ये चीज अगर आपने एक बार पढ़ लिया ना तो जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर कहाँ मिलेगा आपको। लौड़ा बहनचोद। अब आइए सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर इज सॉफ्ट, इट इज वेरी सॉफ्ट, सॉफ्टवेयर इज नॉट हार्ड, सॉफ्ट इज वेयर। अब इस भाई साहब के लिए दो शब्द। When you want to say to what about this bhonsadi wala, what will you say about him? Let me guess, his name is starting from C. Aise kaise? Are chuta samjhega? Yes. His name is ending from A. His class teacher is Aryan Khan and his subject teacher is Salman Bhai. And now, this is my favorite one. If this is teacher ki gaan, then first bencher. कल दूंगी
10 बजे? ओ सॉरी, कल दूंगी एक जगह का नाम। चलो ठीक है। देखो गाइस, मैं तो फिर भी थोड़ा शरीफ हूँ, लेकिन इन हरामियों को जरा देख, हमको आज ही चाहिए। भोसड़ी वालों को जिंदा पकड़ना है। भोसड़ी वालों बिल्कुल भी मत जाना, नहीं तो कल दूंगी बोल के तुमसे आज ही ले लेगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो गाइस अभी भी बहुत सारे क्लिप रह गए हैं, तो अगर आप लोग को पार्ट 2 चाहिए तो आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मैं आप लोग के लिए पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा। तो गाइस मैं भी फिलहाल जा रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम पर मीम पोस्ट करने। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अगर आप लोग ने मुझे फॉलो नहीं किया तो अभी जाके जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।